Hey guys, namaste. This is Jainagar Madam and welcome to my channel Jainagar Madam and you are watching on Jainagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely very well. In today's video, we will learn advanced English structure. And today is day 10 advanced English structure. Tell me one thing guys. If you are a beginner and do you want to speak fluent English without hesitation? If you want to speak fluent English without hesitation, then guys, this video is going to be very helpful for all of you guys. Yes guys. यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. जब आपको बोलना हो, मुझे पता है काम कैसे करना है, मुझे पता है इंग्लिश कैसे सीखनी है, मम्मी को पता है खाना कैसे बनाना है, मम्मी को पता है किस तरह की साड़ी खरीदनी है, मुझे पता है श्याम के घर पर कैसे जाना है. तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो मैं इसी तरीके के सेंटेंसेस को आज के इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ. एक चीज आप जरूर नोटिस किए होंगे, इन सारे सेंटेंस में एक कॉमन चीज आया हुआ है, मुझे पता है, मम्मी को पता है. ठीक है, तो मुझे पता है, उसे पता है को आप सेंटेंस में कैसे बोलेंगे. इसमें डबल डबल सेंटेंस है, मुझे पता है इंग्लिश कैसे सीखनी है, तो इस तरीके सेंटेंसेस को आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे. तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यू हैव टू स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड. गाइज, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, दैट आई एम श्योर गाइस. तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक सेंटेंस को दोबारा बोलूंगी. फर्स्ट टाइम आपको लिसन करना है एंड सेकेंड टाइम में मेरे साथ साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस करना है, शेयर लाउड एंड इन सारे सेंटेंसेस को क्या करना है, अपने डेली कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में यूज करना है. Tell me one thing guys, if you are a beginner and do you want to speak fluent English without hesitation? If you want to speak fluent English without hesitation, then guys, I recommend you. Today's video is going to be very helpful for all of you guys. Yes guys. और मैं आज का जो सेंटेंस लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आप एक बार में सीख जाएंगे. और जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सब क्या है, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है, उससे आपकी इंग्लिश जल्दी इंप्रूव हो जाएगी. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यू हैव टू स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्रैक्टिस विद मी. Speak all these sentences in your daily routine, in your daily life. Only then you will be able to speak English well. So, without delay, let's get started. So, our first sentence is: मुझे पता है अंग्रेजी कैसे सीखनी है, मुझे पता है काम कैसे करना है, मुझे पता है वहां क्यों जाना है, मुझे पता है अब क्या करना है, मुझे पता है शिक्षक कैसे बनना है, उसे पता है श्याम के घर पर कैसे जाना है, मम्मी को पता है किस तरह की साड़ी खरीदनी है, मुझे पता है रोटी कैसे बनाना है, मुझे पता है शब्दार्थ कैसे याद करना है,
तो गाइज इन सारे सेंटेंस में एक चीज कॉमन देखने को मिली है, मुझे पता है, मुझे पता है, उसे पता है, मम्मी को पता है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? जैसे मुझे पता है तो आई नो, मुझे पता है के लिए आप यूज करेंगे आई नो, ठीक है। तो मुझे पता है तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, आई नो। जब बोलना हो मम्मी को पता है तो क्या बोलेंगे, मदर नोज। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से सीख रहे हैं ना। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगी, जैसे मुझे पता है इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आई नो। आई क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पे जब आपको बोलना हो मुझे तो आई लिखेंगे, यहां पे बोलेंगे। यदि आप अदर पर्सन का नाम बोलना चाहेंगे तो उसका नाम देंगे, जैसे मोहन को पता है तो क्या बोलेंगे, मोहन नोज। यदि बोलना है उसे पता है तो क्या बोलेंगे, ही नोज। ओके, उसके बाद प्लस कंप्लीट सेंटेंस, यहां पे आपको सब्जेक्ट डालना है, ठीक है। यहां पे सब्जेक्ट के रूप में जैसे मुझे पता है तो इसलिए आई लिख दिए हैं। सब्जेक्ट यहां पे कुछ भी हो सकता है, आई ही सी इट, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ओके, यू वी दे, ठीक है। तो यहां पे आप पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, क्या देंगे, सब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आई दिए है, क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस में मुझे पता है ये कॉमन आया हुआ है। तो यहां पे आप क्या देंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस कंप्लीट सेंटेंस। एंड ये जो कंप्लीट सेंटेंस जो होगा वो किसी भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर टेंस का भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट के साथ आप नो बोलेंगे, ओके, एंड उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको बोल देना है। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट टाइम की सेंटेंस को लेकर के आई हूं, जैसे सब्जेक्ट प्लस क्या देंगे, नो प्लस डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड प्लस टू का यूज करेंगे, प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आज का जो सेंटेंस है इसी स्ट्रक्चर के आधार पे बनेगी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, जब बोलना हो मुझे पता है तो क्या बोलेंगे, मुझे पता है के लिए आप क्या यूज करेंगे, आई नो, आई नो। एंड उसके बाद क्या है, मुझे पता है के लिए आप क्या यूज करेंगे, आई नो। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी कैसे सीखनी है, ओके, तो कैसे की इंग्लिश पढ़ लेनी है, डब्ल्यू एच वर्ड। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया ना ये हाउ। उसके बाद टू लगाना है, टू, एंड उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म सीखनी, लर्न, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश, आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश, मुझे पता है अंग्रेजी कैसे सीखनी है। तो गाइस आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, तो बने रहिए। सेकेंड सेंटेंस है, मुझे पता है काम कैसे करना है, तो क्या हो जाएगी, मुझे पता है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, आई नो।
आई नो। उसके बाद हाउ टू का यूज करना है, कैसे है, हाउ टू, उसके बाद करना डू, एंड उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, काम वर्क। आई नो हाउ टू डू वर्क, आई नो हाउ टू डू वर्क, मुझे पता है वहां क्यों जाना है। तो मुझे पता है इसकी इंग्लिश लेनी है, क्या होगी, आई नो वहां क्यों जाना है, तो क्यों की इंग्लिश लेना है डब्ल्यू एच वर्ड, वाई, उसके बाद टू का यूज करना है, वाई टू, उसके बाद वर्ब जाना गो, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, वहां देयर। आई नो वाई टू गो देयर, आई नो वाई टू गो देयर, मुझे पता है वहां क्यों जाना है। तो गाइस मेरी वीडियो आप सब कैसी लग रही है, यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी फ्रेंड लोग भी अच्छे से इंग्लिश सीख पाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए और इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में लाते रहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता है अब क्या करना है। तो मुझे पता है, आई नो, आई नो अब क्या करना है, क्या, तो क्या की इंग्लिश व्हाट, व्हाट एंड व्हाट के साथ, व्हाट के बाद क्या लगाएंगे, टू, व्हाट टू करना वर्ब है, डू ऑब्जेक्ट क्या है, अब, नाउ। आई नो व्हाट टू डू नाउ, आई नो व्हाट टू डू नाउ, मुझे पता है अब क्या करना है। मुझे पता है शिक्षक कैसे बनना है, मुझे पता है, आई नो, आई नो कैसे शिक्षक कैसे बनना है, तो कैसे की इंग्लिश लेनी है, हाउ, उसके बाद टू बनना, बिकम क्या है, शिक्षक, अ टीचर। आई नो हाउ टू बिकम अ टीचर, आई नो हाउ टू बिकम अ टीचर, उसे पता है श्याम के घर पर कैसे जाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में उसे आया हुआ है, तो उसे के लिए आप क्या यूज करेंगे, ही, यदि लड़की होगी तो सी का यूज करिएगा, ही नोज, यहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगी, क्योंकि मैं आपको बताई थी डे 9 में कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, V5 करना है, ठीक है। यदि आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं डे 9 वाला, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ही नोज श्याम के घर पर कैसे जाना है, कैसे की इंग्लिश लेनी है, डब्ल्यू एच वर्ड, हाउ, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब जाना गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है, श्याम के घर पर, ओके, टू श्याम्स हाउस, ही नोज हाउ टू गो टू श्याम्स हाउस, ही नोज हाउ टू गो टू श्याम्स हाउस, मम्मी को पता है किस तरह की साड़ी खरीदनी है। मम्मी को पता है, तो मम्मी क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, मदर,
मदर नोज। किस तरह की साड़ी खरीदनी है, किस तरह की, तो क्या हो जाएगी, व्हाट काइंड ऑफ, एंड उसके बाद क्या होगा, साड़ी, किस तरह की साड़ी, व्हाट काइंड ऑफ साड़ी। उसके बाद टू बाय, मदर नोज व्हाट काइंड ऑफ साड़ी टू बाय, मदर नोज व्हाट काइंड ऑफ साड़ी टू बाय। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता है रोटी कैसे बनाना है, तो मुझे पता है, आई नो, आई नो रोटी कैसे बनाना है, हाउ टू मेक चपाती, आई नो हाउ टू मेक चपाती, आई नो हाउ टू मेक चपाती। चपाती को आप ब्रेड भी बोल सकते हैं, यहां पे मेक के बदले में आप प्रिपेयर भी बोल सकते हैं, ओके। मुझे पता है शब्दार्थ कैसे याद करना है, मुझे पता है, आई नो, आई नो शब्दार्थ कैसे याद करना है, कैसे, हाउ टू याद करना, रिमेम्बर, शब्दार्थ, वोकैबुलरी, आई नो हाउ टू रिमेम्बर वोकैबुलरी, आई नो हाउ टू रिमेम्बर वोकैबुलरी। तो चलिए गाइस, अब आपकी बारी है, दो सेंटेंस आज मैं दूंगी। जैसे मुझे पता है, मुझे पता है फराटेदार अंग्रेजी अंग्रेजी कैसे बोलनी है, एंड सेकेंड सेंटेंस, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है फराटेदार अंग्रेजी अंग्रेजी कैसे बोलनी है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, एंड ये नीचे वाला क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, मुझे नहीं पता है फराटेदार अंग्रेजी कैसे बोलनी है। तो गाइस, जब आप निगेटिव बनाएंगे इन सारे सेंटेंसेस को, तो आप यहां पे जैसे मुझे पता है तो आई नो बोलते थे, जब आपको बोलना है मुझे नहीं पता है तो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, ओके। तो गाइस, एंड जैसे मम्मी को पता है तो मदर नोज बोलते हैं, यदि आप इसको नेगेटिव बनाएंगे, मम्मी को नहीं पता है तो कैसे बोलेंगे, मदर डजंट नो, मदर डजंट नो, ओके। जैसे मम्मी को नहीं पता है किस तरह की साड़ी खरीदनी है, तो आप कैसे बोलेंगे, मदर डजंट नो,
व्हाट काइंड ऑफ साड़ी टू बाय। ओके गाइस, तो आपको निगेटिव कैसे बनाना है इसके बारे में मैं डे 9 में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको डू का यूज करना है एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ डॉज का यूज करना है। ओके, दीज टू सेंटेंसेस आर फॉर यू, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, तो गाइज मेरी वीडियो आपसे कैसी लग रही थी, यदि अच्छी लग रही थी तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।